सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस यार, देखते ही देखते भाई 2023 कब का निकल गया पता भी नहीं चला। और 2023 में मैंने भाई आप लोग के लिए काफी सारे यार सर्वाइवल गेम के ऊपर वीडियो भी बनाए, जिसमें आप लोगों ने अच्छा खासा रिस्पांस दिया। और ये सर्वाइवल गेम का वीडियो आप लोग का फेवरेट टॉपिक बन चुका था, तो मैंने सोचा चलो 2024 का भी स्टार्टिंग आप लोग के फेवरेट टॉपिक से ही किया जाए, जिसमें मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में ज्यादा नहीं भाई दो ही सर्वाइवल गेम के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन भाई आप लोग चिंता मत करो, दोनों गेम जो है ना आपके 2 GB रैम फोन से भी कम में आराम से चल जाएंगे और गेम का साइज भी बिल्कुल ही कम होने वाला है। गेम पूरी तरीके से ओपन वर्ल्ड होने वाला है और एक गेम ऑफलाइन होगा, एक गेम ऑनलाइन होगा, ठीक है। और दोनों गेम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस आप लोग कमेंट वगैरह करा करो यार कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आप लोग भाई कमेंट नहीं करते, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई वीडियो सोच नहीं पाता और वीडियो आने में भाई लेट हो जाता है। और वैसे तो भाई इस साल में कुछ नया करने वाला हूं, मतलब नया टाइप का वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसी के लिए आप लोग कुछ हिंट दे दो कि इस टाइप का वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो मैं जल्दी से जल्द आप लोग के लिए भाई वीडियो बना पाऊंगा। तो आप लोग भाई कमेंट जरूर से कर देना एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना। तो चलो गाइस अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमारे फर्स्ट नंबर पे जो गेम है उस गेम का नाम है आइसलैंड सर्वाइवल ऑफलाइन गेम्स, जो कि आपको प्ले स्टोर पे सिर्फ 42 MB के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड ये गेम जो है ना भाई पूरी तरीके से आप लोग को ऑफलाइन देखने को मिलेगा और इस गेम का साइज इतना कम है ना भाई कि आप लोग इस गेम को ना 500 MB रैम के फोन में भी खेल लोगे और जरा सा भी लैग नहीं करेगा, आपके फोन में एकदम भाई मक्खन की तरह चलेगा। और गाइस एक चीज मैं इस गेम के बारे में आप लोग को बता दूं कि आप लोग भाई इस गेम को अगर खेल हो ना तो आप लोग भाई ध्यान रखना कि आप लोग का डाटा ऑफ रहना चाहिए। अगर आप लोग डाटा ऑन करके खेलोगे ना भाई तो आप लोग को काफी सारे भाई प्रचार वगैरह आएंगे, एडवर्टाइजमेंट आएंगे, जो कि आप लोग को भाई काफी ज्यादा परेशान करेगा। तो आप लोग भाई डाटा ऑफ करके खेलना, एड्स वगैरह नहीं आएगा। एंड थोड़ा सा बात करें इस गेम के बारे में, तो भाई इस गेम में ना आप लोग को सर्वाइव करना उतना ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल आप लोग सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि भाई इस गेम में ना आप लोग को स्टार्टिंग में ही बो वगैरह दे दिया जाएगा, यानी कि तीर वगैरह और काफी सारे सामान वगैरह जो होते हैं ना, जैसे कि स्टोन प्लैंक वगैरह, वो सब आप लोग को रोड सड़क पे देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जो खुला मैदान है या फिर ओपन वर्ल्ड है यहीं पे आप लोग आसपास देखने को मिल जाएंगे। आप लोग उसको इजीली कलेक्ट करके भाई काफी सारे सामान वगैरह बना सकते हो एंड आप लोग को एनिमल्स वगैरह भी काफी सारे देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप लोग भाई बो वगैरह से मार के उसका मीट लेके भाई उसको कैंप फायर में जला के पका के खा सकते हो। जो सर्वाइवल गेम में आप लोग करते हो ना भाई, वो सभी चीज इसमें होने वाला है। एंड लेकिन मानो भाई गेम काफी ज्यादा ओपी होने वाला है एंड मैंने इस गेम को पर्सनली खेल रखा है, गेम काफी ज्यादा बढ़िया है। एंड आप लोग का अगर डाटा वगैरह खर्च हो जाता है ना, जैसे कि आप लोग का रिचार्ज वगैरह खत्म हो गया, नेट वगैरह नहीं है, तो आप लोग भाई इस गेम को ना काफी अच्छे से खेल सकते हो ऑफलाइन में। आप लोग को जरा भी डाटा खर्च करने की जरूरत नहीं है एंड आप लोग को सर्वाइवल करना पूरा एकदम रियल मजा आने वाला है इस गेम को खेलने में, क्योंकि भाई ओपन वर्ल्ड मैप है और आप लोग को सर्वाइवल गेम में सर्वाइवल ही तो करना होता है। इस गेम में भाई भरपूर आप लोग को सर्वाइवल देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग भाई इस गेम को डाउनलोड करके जरूर से एक बार खेल लेना, गेम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो गाइस अब बढ़ते हैं सेकंड गेम की तरफ। सो गाइस हमारे सेकंड नंबर पे जो लास्ट गेम है उस गेम का नाम है सर्वाइवल सिमुलेटर, जो कि आपको प्ले स्टोर पे सिर्फ 83 MB के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड ये गेम जो है ना भाई पूरी तरीके से ऑनलाइन होने वाला है, बिना ऑनलाइन ये गेम आप लोग खेल ही नहीं सकते, यानी कि बिना डाटा ऑन किए आप लोग इस गेम को नहीं खेल सकते हो। इस गेम में आप लोग को ज्वाइन करने के लिए ना भाई एक सर्वर को ज्वाइन करना होगा, यानी कि इस गेम में ना आप लोग को काफी सारे सर्वर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जो कि भाई काफी सारे लोग बनाते हैं। एंड जो फ्री वाला होगा ना उसमें आप लोग सिंपली भाई ज्वाइन कर लेना एंड उसके बाद आप लोग सीधे भाई मैप के अंदर आ जाएगा, यानी कि सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर, जिसमें आप लोग को भाई सर्वाइव करना होगा। लेकिन भाई इस मैप में ना आप लोग को ऑनलाइन प्लेयर देखने को मिलेगा, जो जो भाई इस सर्वर में ज्वाइन किया होगा ना वो सब आएगा इस मैप में एंड उससे आप लोग को बच के भाई सर्वाइव करना होगा, उसको मारना होगा एंड आप लोग को इजिली भाई सर्वाइव करना होगा। जो चीज आप लोग को सर्वाइव करते हो ना जो सर्वाइवल गेम में, वो सेम चीज आप लोग इस गेम में कर सकते हो। और थोड़ा सा बात करें इस गेम के बारे में, तो भाई इस गेम में आप लोग को काफी बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग भाई कहीं भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, काफी सारे जगह देखने को मिल जाएंगे जो कि भाई काफी न्यू होंगे। आप लोग उसको एक्सप्लोर करोगे तो वहाँ के आप लोग को चीजें समझ में आएंगी और गेम में आप लोग को ना काफी सारे रिसोर्सेज वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप लोग भाई इजीली बना सकते हो, काफी सारे टूल वगैरह बना सकते हो एंड उसके लिए आप लोग को सिंपली भाई स्टोन वगैरह इकट्ठा करना होगा, प्लैंक वगैरह चाहिए होगा, लकड़ी वगैरह चाहिए होगा और आयरन वगैरह चाहिए होगा, जो चीज आप लोग को सर्वाइवल गेम में लगता ही है। एंड आप लोग भाई अगर इस गेम को खेलोगे ना, तो आप लोग को भाई ध्यान रखना कि जिसके सर्वर में आप लोग ज्वाइन हुए हैं ना, वो सामने वाला भाई जितना देर तक आप लोग को खेलने देगा उतना देर तक ही आप लोग खेल सकते हो, यानी कि आप लोग भाई ज्यादा देर तक नहीं खेल सकते, वो जब चाहे आपको इस मैप से निकाल सकता है, इस सर्वर से निकाल सकता है और वो जब रूम बंद करेगा ना तो आप
लोग भाई सीधा ऑटोमेटिक बाहर आ जाओगे। तो आप लोग भाई समझ के खेलना कि ज्यादा इस गेम में ज्यादा टाइम मत लगाना, नहीं तो भाई सारा किया कराया पे मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना। बाकी ये गेम में ऐसे ही सिस्टम है, अगर आप लोग को ये गेम पसंद नहीं आया ना तो फर्स्ट वाले गेम आप लोग खेल सकते हो। एंड ये गेम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन आप लोग मैनेज करके खेल लेना। वैसे गेम का साइज भी काफी ज्यादा कम है। वैसे सर्वाइवल गेम में आप लोग को करना ही क्या होता है भाई, सिर्फ सर्वाइव करना होता है। अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो कर लेना, नहीं तो फर्स्ट वाले जो गेम है काफी मस्त है, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये गेम भी मस्ती है लेकिन इस गेम में थोड़ा सा सर्वाइवल प्रॉब्लम है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आप लोग भाई इस गेम को भी एक बार जरूर से डाउनलोड करके खेल लेना। तो चलो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।